5G के आने से जहाँ एक तरफ कुछ लोगों को सहूलियत हुई होगी, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि इसकी वजह से सफर कर रहे हैं और अपनी जेब से पैसा एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। जी हाँ, उनमें से मैं भी एक हूँ और हो सकता है इनमें से और भी कई ऐसे लोग हों जो कि अपने घर पर सी बैंड का सेटअप इस्तेमाल करते हो। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि 5G के आने की वजह से जो है हमारे सी बैंड सिग्नल्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स और दिक्कतें आने लगी थी, जिसकी वजह से आज के समय में हमें 5G फिल्टर LNB लेना पड़ रहा है। सोलिड की ओर से 5G फिल्टर LNB बनाया गया है और ये जो है हमारे सिग्नल्स को जो है फिल्टर कर देता है। 5G की जो भी रेडिएशन है, जो भी सिग्नल्स प्रॉब्लम आ रही है हमारे सी बैंड के चैनल्स में, वो नहीं आती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी के घर में 5 फीट 6 फीट में बड़े बड़े छतरी लगी हुई है, इवन केबल टीवी ऑपरेटर्स के लिए भी बात कह रहा हूँ मैं, उनको भी 5G LNBs का यूज़ करना पड़ेगा। और उनके लिए जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे 5G LNB का। इसका जो है आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या जो है इसके साथ हमें मिलता है, कैसा इसका लुक है, और इस LNB को आप जो अगर परचेज करना चाहें तो हमारी ओर से भी परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मैं सामने व्हाट्सअप नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके भी इस LNB को बुक कराना चाहें तो करवा सकते हैं। तो फटाफट से दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और रिव्यू देख लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए फिलहाल अभी अच्छे से काम करेगा जिनके एरिया में 5G की सर्विसेज आ चुकी हैं, और जिन एरियाज में अभी तक 5G नहीं पहुंच पाया है तो उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो भी पुराने सी बैंड LNB के साथ काम चला सकते हैं। आज जो है हम आपके बीच लेकर आए हैं सोलिड का सी बैंड का 5G फिल्टर LNB, जो कि आपका 4K अल्ट्रा HD सपोर्ट भी रहेगा, 17K इसकी नॉइस रहेगी। और दोस्तों ये जो है बेसिकली उनके लिए बनाया हुआ है जिनके एरिया में अब 5G की सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि 5G की सर्विसेज शुरू होने की वजह से जो सिग्नल्स हैं दोस्तों वो बहुत ख़राब होने की प्रॉब्लम आने लगी है। जो भी हमारे सी बैंड के चैनल्स हैं उसके सिग्नल नहीं आते, और अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है आराम से टीवी चैनल नहीं देख पाते हैं। तो उसी समस्याओं को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए सोल्ड वालों ने 5G LNB हमारे लिए मार्केट में उतारा है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ सी बैंड के डिशेज़ पर या फिर केवी बैंड के डिशेज़ पर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास एक जो है दूसरे तरीके का फीड होना है जिसमें हम आराम से सिग्नल प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आप जो है फ्रंट इसका जो है व्यू देख ही चुके हो, बाकी हम जो है आपको ज़्यादा देरी ना करते हुए अंदर से जो है LNB दिखाना चाहेंगे कि LNB जो है वो किस तरीके का आपको मिलता है। तो मैंने जो है दोस्तों एक ही समय पर दोनों LNBs को ऑर्डर किया था, तो कंपनी ने जो है अच्छे से पैकिंग करके मुझे एक ही बॉक्स के अंदर दोनों LNBs भेज दिए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो LNB हमारे लिए अवेलेबल है। वेट की बात करें तो LNB का वेट थोड़ा सा आपको हैवी महसूस होगा, और ये तो उसका जो है आपको कवर मिल जाएगा, और इसको हम ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि हमने इसको ओपन करके भी देखा है, तो उसके अंदर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही जो है आराम से सिग्नल प्राप्त होने का ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें आप दो पिन्स देख सकते हो, एक वर्टिकल की है और हॉरिजॉन्टल की है, तो यानी कि ड्यूल जो है पोलैरिटी के साथ ये आपको सपोर्ट करने वाली LNB। तो इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों शानदार है, दोनों ही जो है बैंड्स यानी हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की दोनों के सिग्नल्स ये पकड़ लेगी। बाकी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं दोस्तों वो सामने आप रीड कर सकते हो, कुछ इस तरीके से स्पेसिफिकेशंस इसकी दी हुई हैं, इनपुट आउटपुट लो और गेन का सब कुछ बताया हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको कहाँ पे सेट करना है एग्जैक्टली। और बैक पोर्ट की बात करें दोस्तों, तो पहले जो होता था ना हमारे जो ये पोर्ट था वो पहले सेंटर में होता था, जिससे LNB को जो है आराम से जो है टाइट करने में मुश्किल नहीं होती थी वायर को, कनेक्टर को। अब इन्होंने जो है इसको साइड में दे दिया है, तो ये भी ठीक है वैसे तो, अब वो कोई सेट जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाता है LNB को कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों जिस तरीके से जो LNB की क्वालिटी मिलेगी, इसके अलावा दोस्तों इसका जो फीड हॉर्न है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसका फीड हॉर्न मिलेगा, क्वालिटी अच्छी है नो डाउट, इसको आप यूज़ कर सकते हो LNB कनेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा जो दोस्तों इसके जो टूल्स हैं नेट, बाकी इसके जो नेट बोर्ड्स है दोस्तों वो कुछ इस तरह से आपको मिल जाते हैं इस LNB को यूज़ करने के लिए।